हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। ट्रेडिंग आपका कैसा चल रहा है? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। सो फॉलो अप वीडियो लेके आए हैं फिर से। ये वीडियो आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन एक एक जर्नी है जिसको हम देखना चाहते हैं कि भाई एक हम इक्विटी में ट्रेडिंग करके क्या कर सकते हैं, कुछ रिजल्ट आता भी है नहीं आता, क्या होता है, और इसका जब कंक्लूजन जब निकलेगा ना तो मज़ेदार रहेगा। ठीक है, तो सिंपल चीज़ बोरिंग होती है और वहीं से अच्छा रिजल्ट निकलता है। सो कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, आज का स्टॉक को हम सेलेक्ट करते हैं। आज का स्टॉक है कोल इंडिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कोल इंडिया तो कल ही हमने लिया था क्या? कोल इंडिया कल ही लिया था, तो उसको तो हम नहीं लेंगे। हाँ, एवरेज अगर हुआ होगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। उसके बाद जो है -1.94 प्रॉप इक्विटी SM। ठीक है, ये शायद ज़्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, बट देखते हैं प्रॉप इक्विटी SM इसको है कि नहीं, इसको देखते हैं। प्रॉप इक्विटी पी एनालिटिक्स यही होना चाहिए। देखते हैं, शेयर का प्राइस 294 दिखा रहा है। हाँ, आई थिंक यही है। हाँ, 293, 294, ठीक है, 293.50। ओके, यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अपन इसको प्रॉप इक्विटी SM को हम एंट्री कर लेते हैं। प्रॉप इक्विटी SM ये लिखा था। क्लोजिंग प्राइस आज का क्या है भाई? 293.50, उसमें 294 दिखा रहा है, तो 294 ही मान लेते हैं। सॉरी, तो हमारे हिसाब से कितना क्वांटिटी आएगा इसमें, राउंड ऑफ में हम देख लेते हैं कि कितना क्वांटिटी हमको मिलेगा 10,000 में डिवाइड बाई 294। ओके, 34 क्वांटिटी मिलेगी अपने को, 34 क्वांटिटी। ठीक है, ओके, एवरेज प्राइस 294। ठीक, बाइंग 20, 2, 24, सेल का तो बाद में देखेंगे जब आएगा तब। और 5% अप 5% डाउन निकाल लेते हैं। 294 है, 294 × 5% तो ये 1470, चलो 15 मान लेते हैं अपन। तो 294 + 15, ठीक है, तो 309 ये अपसाइड है। -15 मतलब 279 डाउन साइड है। ठीक, ओके, ओके। हाँ, अब इसका चार्ट देख लेते हैं, प्रॉप इक्विटी का। ठीक है, अच्छा, ये लिक्विड स्टॉक नहीं है इसीलिए ऐसा चार्ट दिखा रहा है। 15 मिनट में देखे ना, ये स्टक हुआ है, रुका हुआ है। इसे तो ऐसे अनलिक्विड लिक्विड स्टॉक को नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, हमारे लिस्ट में है, सेक्टर लीडर किसी चीज़ से है, तो फिर वन डे के चार्ट में बेहतर दिख रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ज़्यादा रहता नहीं इसमें, बट फिर भी अगर वन डे के चार्ट में देखें तो काफ़ी अच्छा अप स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पे कंसोलिडेट काफ़ी लंबे समय तक किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अभी लगभग अच्छा अप ट्रेंड में है। ठीक है, 2 दिन से नीचे आया हुआ है, तो ठीक है। 1 मंथ, 1 वीक ये भी देख लेते हैं, 1 वीक और 1 मंथ। ठीक है, तो सभी में ठीक ठाक दिखा रहा है। ठीक है, इसके चार्ट पे हम ज़्यादा जाते जाने का नहीं सोचते। इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, ये क्या है। इनकॉर्पोरेटेड टू द पी एनालिटिक्स इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग डाटा एंड एनालिटिक्स। ठीक है, ओके। इंडियन रियल इस्टेट इंडस्ट्री, अच्छा, इंडियन रियल इस्टेट इंडस्ट्री के डाटा एनालिटिक्स बिजनेस में काम करता है। ओके, ये सब इसका डिटेल दिखाया हुआ है। 1.65 लाख प्रोजेक्ट है, 45,000 डेवलपर्स हैं, 44 सिटी इंडिया में है, 300+ प्रोजेक्ट ऐड हुआ ऑन मंथली ऑन द प्लेटफॉर्म, इस टाइप से कुछ इसका की पॉइंट्स है। ठीक है,
और रिसर्च कंसल्टिंग बिजनेस है, टेबल बेस्ड मैप बेस्ड एनालिटिक टूल है, इंक्लूड्स क्लाइंट इंगेजमेंट सपोर्ट है, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये उसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। एमओयू वगैरह भी साइन किया हुआ इन्होंने। रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो वेबसाइट सब्सक्रिप्शन से 58% आता है, मतलब मेन इनका वेबसाइट है। प्रोफेशनल सर्विस 5%, सर्विस इनकम 27%, इंटरेस्ट इनकम 10%। ओके चलो ठीक है, इसको देखते हैं। मार्केट कैप स्मॉल कैप है, 308 करोड़ का है मात्र मार्केट कैप। बुक वैल्यू 65 है, प्राइस चल रहा है 294, पी 36 है, बहुत ज़्यादा महंगा बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। ऑल टाइम है 324 है, सॉरी ऑल टाइम नहीं, 52 वीक हाई 3024 है, 52 लेख 136 है, ठीक है। ROC 20 है, ROE 15 है, फेस वैल्यू भी ठीक है, तो ओके है, ठीक। प्रोस कॉन्स दोनों है, इनफैक्ट कौन सा अधिकार है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, चलो ये तो अच्छी बात है भाई कि डेट नहीं। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 49.5%, ऑलमोस्ट 50% का CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, अच्छा ये डिविडेंड नहीं दे रही इसका कौन से है, ठीक है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 11.3% ओवर फास्ट 5 ईयर्स, सेल्स बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ वाला नहीं है, नॉर्मल है, कम है ऐसा बोल सकते हैं। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 3.46, मतलब अदर इनकम से भी इनको ठीक ठाक अर्निंग होती है, जो कि एक कॉन्स में आता है कि आपका मेन बिजनेस से आपका मेन प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। पीयर कंपैरिजन में BSE है, NBCC है, CDSL है, ये सब है, MCX है, कैम सर्विसेज है, ये सब इनके कंपैरिजन में, पीयर कंपैरिजन में, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है, अब हमारी लिस्ट में है तो है। हाफ ईयरली रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, अच्छा ये हाफ ईयरली डिक्लेयर करता है, मार्च 23 सितंबर 23, सेल्स ऑलमोस्ट इन लाइन है वहीं पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग वहीं कहीं पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा लगभग वहीं कहीं पे है। नेट प्रॉफिट भी 4 करोड़ के आसपास का ही है, और सेल्स को देखें तो 20.39, उससे पहले 20.23.91, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 44-45 में है, नेट प्रॉफिट भी 9 करोड़ 8 करोड़ के आसपास ही है, तो बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा एलोकेशन आप कर नहीं सकते, ना ही ट्रेडिंग के एकदम पर्सपेक्टिव अच्छा है, और ना ही कोई इन्वेस्टिंग के लिहाज से फिलहाल के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी हमारी लिस्ट में होता है, हम इसको हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता है कि अभी हम कुछ अच्छा शेयर रखते हैं, कुछ बहुत अच्छा शेयर नहीं रहता, लेकिन हमारी लिस्ट में है, सेक्टर लीडर है तो है, ठीक है, हमारे स्क्रीनर के हिसाब से आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, बैलेंस शीट देख लेते हैं, चलो ठीक है। एक तो कुछ अच्छा है कि भैया इक्विटी कैपिटल 57 और 10 है, रिजर्व कैपिटल 57, तो 60-70 करोड़ का ये हो गया, और डेट बोरोइंग्स तो है ही नहीं, जीरो है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और फिक्स्ड एसेट 1 करोड़ का फिक्स्ड एसेट भी है, तो बोरोइंग नहीं है, ये इसके लिए अच्छी बात है, ये एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो 70.20% का प्रमोटर्स के पास है, FIS के पास में 4.19 है। ये इसमें नेगेटिव ये है कि FIS ने इस थोड़ा सा घटाया है अपना प्रोसेस पे, ठीक है। पब्लिक के पास 24-25% का हिस्सेदारी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। ओके हमने इसको रख लिया है आज के डेट में, और अब क्या, बाकी हम देख लेते हैं, बाकी इंडिगो से शुरू कर लेते हैं भैया। हमारा डेली का जो रहता है इंडिगो का, हमारा 29.80 और 32.94 आया, क्या देख लेते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ हम इसको शॉर्ट करते हैं पहले A to Z, ताकि खोजने में आसानी हो। फिर हम जाते हैं इंडिगो में, हमारा पहला स्टॉक बाय था इंडिगो, तो इंडिगो मिल गया हमको, ये हमारा लो हाई चेक करने के लिए। 29.80 32.94 आया क्या, 29.80 नहीं आया, 32.94 नहीं आया, ओके। देन उसके बाद आता है सेंचुरी टेक्स, तो 1304 1482, कल तो आते आते रह गया था, आज देखते हैं 1304 1482 सेंचुरी टेक्स, ओके 1304
1304 नहीं है, 1482 भी नहीं है, 1478 में अटक गया। ठीक है, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीन वेल 20 70 22 88। ग्रीन वेल 20 70 22 88। 20 70 आया क्या नहीं आया, 22 88 आया क्या नहीं आया, तो ये भी वही है हमारा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, एच ए एल 28 16 31 14। 28 16 31 14 एच ए एल। 28 16 नहीं आया, 31 14 नहीं आया। 28 16 नहीं आया, 31 14 नहीं आया। ठीक है, कल ऑलमोस्ट टारगेट के पास था, वहां से निकल गया था। अब ये सब तो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर 22 32। हिंद यूनिलीवर 22 32 का लो नहीं आया, और हाई क्या है हमारा, टारगेट क्या, 24 68 2408 नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, IMFA 605 669। IMFA यहीं पे है, 605 नहीं आया, 669 नहीं आया, तो छोड़ देते हैं। अगेन नेक्स्ट चलते हैं, कोल इंडिया कल ही का है, देख लेते हैं, और उसके बाद तो आज ही का है, तो 438 484 कोल इंडिया तो ऊपर मिलेगा हमको। कोल इंडिया 438 484, 438 नहीं आया, 484 नहीं आया। तीन में से और भी कोई एवरेजिंग या प्रॉफिट बुक करने का मौका हमको नहीं मिला। ठीक है, तो आज के डेट के हिसाब से 1389 हमारा अभी तक का प्रॉफिट बुक है। ओके, और हमारा ये जो कैपिटल है इन हैंड, ये हमारे पास अभी है 3,17,000 का। ओके सो ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। ठीक है, ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।